हम आज आए हुए हैं बरसोवा के जोगेश्वरी में और यहाँ पे हम मिलने वाले हैं राज यादव जी से। राज यादव जी का पहचान देने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ही भी इनके जो है नेता कम और समाज सेवक से ज़्यादा इनका परिचित है लोग। सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलना जुलना, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे वो मिले नहीं होंगे, लोग उनको जानते नहीं होंगे। इस बार तो इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या इस बार कुछ उम्मीद किया जा सकता है क्या? नमस्कार। तो ऐसा कोई घर नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं जानते हैं या आप उनको नहीं जानते हैं, तो ऐसे समय से आप जुड़े हुए हैं जहाँ पे यहाँ पे बोलते हैं कि बरसोवा में रेगिस्तान हुआ करता था, जैसे कि बीजेपी यहाँ पे किसी को कोई जानता भी नहीं था, उस हिसाब से लोग रेगिस्तान बोलते थे। तो आप इस उस समय से जुड़े हुए हैं और आपको क्या लगता है कि अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो आपको कोई चांस मिलने वाला है? सबसे पहले तो मैं, आपने जन्मदिन की मुझे शुभेच्छा दी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लीड इंडिया की सभी टीमों को, जितनी भी आपकी टीम है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। लोग घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। मोदी जी का जो अभियान हर घर तिरंगा का जो अभियान है, उसी में हम लोग बिजी मतलब लोगों के पास जाकर उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने घर पे तिरंगा फहराइए। और हर घर तिरंगा का अभियान एक अलग ही माहौल लग रहा है यहाँ पे, लोग कितने खुशी से, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा को उत्सव है। रही बात आपने अभी इलेक्शन की बात कही, इलेक्शन तो आता है जाता रहता है, लेकिन हम सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। रही बात पार्टी ने, पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ मैं, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी उस लायक मुझे समझेगी तो ज़रूर मुझे मौका देगी। और मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को हर घर घर पहुँचाने का काम करता हूँ। सर, ऐसे तो लोग आपको यहाँ पे कैर सम्राट के नाम से जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ना आप नगर सेवक हैं, ना आमदार हैं, ना नामदार हैं, ना ही आप नगर सेवक हैं, फिर ऐसे क्या आपने किया है जी लोग आपको कैर सम्राट के नाम से लोग यहाँ जानने लगे? देखिए, काम कार्य सम्राट ये लोगों का बड़प्पन है, उनका प्यार है कि आज उन्होंने मुझे जो एक उपाधि दी है। और रही बात काम करने का, मेरे से जो होता है मेरे पावर में, मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है, मैं लोगों की सेवा करने में उन पर लगाता हूँ, सुबह से शाम तक, रात तक, कभी भी जब उनको बुलाता हूँ, जब वो हमें बुलाते हैं, हमें याद करते हैं। अगर मैं एक, मुझे ये खुशी होती है कि मैं लोगों को काम आ सकूँ, लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रह सकूँ। और एक समाज सेवा करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इस समाज के प्रति, लोगों को जो बेचारे मुश्किल में रहते हैं उनको, उन्होंने मुझे अगर याद किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे याद किया रहेगा। इसके लिए मेरे से जो भी होता है मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। बरसोवा में ऐसा कोई घर नहीं है, गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका हो, जिस तरह के भी लोग हो, तो वो लोग चाहते हैं कि आप भी यहाँ के नगर सेवक चुनें और उनको जो आपको हाथ में पावर शक्ति ज़्यादा मिले तो आप शायद उसके लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। देखिए, आपने सही बोला कि एक पावर हो आने के बाद काम करने का कुछ अलग ही वो रहता है कि और हम तेज़ी से काम कर सकते हैं। आज पावर या कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, कोई इलेक्शन ना लड़ते हुए अभी तक अगर मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ कहीं कहीं पावर की बात है, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से उनका काम या उनका जो भी हो सकता है मैं उनकी पूरी कोशिश करता हूँ काम करने में। सर, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपने अभी मोदी जी का भी आह्वान है कि देश घर में घर घर तिरंगा होनी चाहिए, रैली निकालना चाहिए और आज़ादी में खुशियां का पल सबके साथ शेयर कीजिए, तो सर आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हर घर तिरंगा का अभियान जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें दिया है, हम लोगों के पास जाकर उनको तिरंगा दे रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर के सामने तिरंगा लगाइए। और देश जो आज विश्व में मोदी जी ने जिस तरह से आज अपने भारत देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह एक लोगों में अलग ही उत्साह है। और ये जो हर घर तिरंगा का अभियान जो अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का 75वां साल के जो चल रहा है, उसमें लोगों का एक त्यौहार के रूप में इसको मना रहे हैं लोग। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से, बीएमसी नगर महानगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से, और
जहाँ से भी उपलब्ध होता है हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं और उनको भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा का अभियान एक अच्छी तरह से ले। और इस तिरंगे के अभियान में हम लोग पदयात्रा भी तिरंगा पदयात्रा कर रहे हैं और 14 तारीख को आने वाले 14 तारीख को हमारे यहाँ बाइक रैली है, तिरंगा बाइक रैली है यहाँ पे पूरे वर्षों में। तो हम लोग लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप तिरंगा में तिरंगा के इस घर हर हर घर तिरंगा के अभियान में आप जुड़िए और एक उत्सव के रूप में इसको मनाइए। सर महाराष्ट्र में खासतौर बॉम्बे का जो है ना BMC पूरा ऑपरेट करता है, BMC के कार्यों से आप कितना खुश हैं? क्योंकि मैंने रोड पे गया है तो बारिश के समय में गड्ढा कम, रोड कम गड्ढा, ज़्यादा गड्ढा में रोड है कि गड्ढे में रोड है, कुछ क्लियर नहीं होता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं लोग। तो कैसा तैयारी है, आप कितना खुश हैं उनके कार्यों से? देखिए पिछले 25 सालों से जो शिवसेना की सरकार जो महानगर पालिका में है, आप देखते जैसा आपने बोला है कि बम्बई की हालत कैसी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि गड्ढे में एक पेड़ उगाया जा सकता है, रोड पे एक पेड़ उगाया जा सकता है। तो इस समय लोगों की हालत बहुत ख़राब है, गड्ढों की हालत बहुत ख़राब है, आने वाले यहाँ पे रोडों की हालत बहुत ख़राब है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ पे रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन महापौर आया, हम बम्बई को पूरी तरह से हम लोग एक अच्छा बम्बई जो एक विश्व में नाम है उसको बनाने की कोशिश करेंगे और लोगों के हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे।